वैसे तो मेरे बुरे कर्मों का चिट्ठा इतना बड़ा है कि ठाकुर जी आ ही नहीं सकते। संत ठीक कहते हैं गोवर्धन की, कोटि जन्म लग जाते हैं, कोटि जन्म तब जाकर कहीं एक झलक मिलती है, पर मेरे गुनाहों का चिट्ठा इतना बड़ा है कि पता नहीं मेरे जीवन में ये सौभाग्य दिवस आएगा भी या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गई ना, क्योंकि लाडली इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि आपने नाम सुना होगा अली किशोरी जी का, जिनके लिखे पद गायन हम करते हैं। अली किशोरी जी ये दिल्ली के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी का नाम था किशोरी। मैं आपको अपनी राधा रानी का स्वभाव बता रही हूँ, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी और पत्नी के देहांत की वजह से उनका मानसिक संतुलन खो गया। वो मानते ही नहीं थे कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, हर वक्त हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी यही बोलते रहते। लेकिन आखिर उनके बच्चे परेशान हो गए कि पिताजी को तो कोई और काम नहीं है, जहां बैठते हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी करते रहते। एक दिन परेशान होकर उन्होंने दिल्ली के हाईवे पे छोड़ दिया और ब्रज की ओर रास्ता दिखा दिया, बोले तुम्हारी किशोरी वहां है। अच्छा मेरी किशोरी इस तरफ गई है, तो अपनी पत्नी के वियोग में रोते रोते वो चलते गए, हाँ किशोरी हाँ किशोरी ए किशोरी करते करते कब छाता आ गया पता नहीं चला, और छाते से बरसाने की ओर मुड़ गए। किसी से पूछा किशोरी को जानते हो, मेरी किशोरी कहाँ है, लोगों ने बताया कि इधर चले जाओ। उन्होंने सोचा बरसाने की किशोरी को पूछ रहा है, लेकिन वो तो अपनी पत्नी किशोरी के वियोग में रो रहे। सीधा बरसाने पहुंचे, गैबर वन में जाकर हाँ किशोरी हाँ किशोरी, ठंडी ठंडी आहें भरने लगे, चीखने लगे, सारी रात बीत गई चीखते हुए। लेकिन मेरी लाडली के कानों में जब आवाज पड़ी, गहबर बन से जा रही है अष्ट सखियों के साथ, ललिता जरा देखो तो सही, ये कौन रात से हाँ किशोरी कर रहा है। वो भी गहबर बन की लताओं में छुप छुप कर, ललिता जी गई किशोरी जी की आज्ञा प्राप्त की और वापिस लौट आई। कौन है ललिते, बोले कोई नहीं। अरे बताओ तो सही कौन है, कौन मुझे बार बार बुला रहा है। अरे कोई कामी पुरुष है, पतित है, वो आपको नहीं बुला रहा, उसकी पत्नी का देहांत हो गया, उसके वियोग में हाँ किशोरी कर रहे। ललिता ये पतित क्या होता है, मैं नहीं जानती। किशोरी जी आप रहने दो, मत नहीं, वो किसी को भी याद कर रहा हो, लेकिन मुझे पता है कि गहबर वन की किशोरी तो केवल मैं ही हूं। ललिता ने बड़ा समझाया, वो आपको याद नहीं कर रहा, बोले कोई बात नहीं, मुझे पता है वो सिर्फ मुझे बुला रहा है, मेरे दरवाजे पे आके कोई रो रहा है मेरा नाम लेकर। किशोरी जी तुरंत प्रकट हो गई और उन्होंने ही जब दर्शन दिए, तो जब उस जीव ने श्री जी के चरणों की तरफ देखा, तो मुख देखना तो किशोरी जी का बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं देख सकता। रुक्मणी जी ने भी केवल नख मात्र पर देखा था तो बेहोश हो गई थी। कन्हैया ने पूछा तुमने श्री जी को देखा, बोले उनके चरणों में इतना तेज था कि मैं बेहोश हो गई, उनके मुखारविंद की तरफ मैं कैसे देख। केवल चरणों पे दृष्टि पड़ी तो वो अपनी किशोरी को भूल गया, केवल बरसाने की किशोरी को याद कर रहा है। तभी श्री जी ने उनको अली किशोरी जी का नाम दिया और तुरंत कहा कि तुम यमुना पार जाओ, वहां पर एक संत रहते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेकर आओ। वो तर्क करने लगा कि गुरु भी दीक्षा किस लिए देते हैं, आपसे
आपसे मिलवाने के लिए। जब स्वतः ही आप मिल गई तो मुझे दीक्षा की क्या जरूरत है। किशोरी जी कहने लगे, परंपराओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, पहले गुरु दीक्षा लेके आओ उसके बाद बात बनेगी। इसलिए लाडली मैं कैसा भी हूं पर आप तो बहुत भोरी है ना, आप तो बहुत सीधी है, मैं आपके भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं पापी हूं लेकिन कहीं ना कहीं काबिल तो नहीं, पर शौक तो है दीदार तेरे का मनमोहन। काबिल नहीं हूं मैं, अभी भैया ने शुरू में इतने बड़े बड़े शब्द कहे कृष्ण की प्रेमिका, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो क्या मैं प्रेमिका हूं। मैं दिन में 2400 घंटे अपने आप को धिक्कारती हूं कि आप कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूं जो आप समझते हो। अपने अंदर का मुझे पता। श्री जी हम आपके सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहते, हम तो बस निवेदन कर सकते हैं। मेरी मुझको तो इतनों बलो निक पड़ी रहूं तेरे द्वार, मेरे मरने को नेम है लाडली पूछेगी सखी कौन पड़ो दरबारी, सखी कौन पड़ो
करूं, मुझे अधम जान कर करुणा की एक ठोकर शामा लगा देना। विश्वानुसुते निकले तन से प्राण मेरे, मुझे बरसाना पहुंचा देना। तुम्हें बस याद करना ही मेरे जीवन का मकसद, दुनिया में
साथी को दुनिया में कोई भी शै न भाती है, तुम्हारी याद आती है। कुछ ऐसो करो उपाय, मोहे जग से ले बचाए, रिश्ते नाते टूट जाए, कुछ बाकी ना रह जाए, मेरी तो शामा सुवन भी के ओ तन मन मेरो, अब मो पे तरस ले ओ खाए। कहां जाऊं कछु सूझत नहीं, निज धाम में ले बसाए, मेरी तो शामा कछु बस की रही, मेरो जियरा घबराए, उड़े माया सताती